आप देख रहे हैं आहट। मैं आपका दोस्त गौरव वापस आया हूँ एक सच्ची कहानी लेकर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हितेश और अकबर हीरा बस्ती में रहने वाले दो दोस्त गांव के लोगों को अचानक डराने के लिए मशहूर थे। लोगों को डराने में उन्हें एक अलग ही मज़ा मिलता था, पर उनकी इस आदत से उनके घर वाले और गांव वाले दोनों बहुत परेशान थे। अचानक डराने के बाद गांव के कुछ लोगों ने उनसे कई मर्तबा कहा भी था कि जब तुम पर बीतेगी तब तुम्हें समझ आएगा कि असली डर का एहसास क्या होता है। उन दोनों का एक और शौक भी था, और वह शौक था असली भूत प्रेतों को ढूंढना। उन्हें जब भी किसी भूत प्रेत आत्मा के बसेरे वाली जगह का पता चलता, तब वह दोनों उस जगह जाकर भटकने वाली भूत प्रेतों को आवाज़ देकर बुलाने की कोशिश करते। एक दिन उन्होंने गांव के चौराहे पर लोगों से सुना कि हमारे गांव के जंगल में से शहर के लिए जो पुराना रास्ता जाता है, उसी रास्ते पर सबसे बड़ा जो पीपल का पेड़ है, उस पर सालों पहले हमारे गांव के बिरजू को दाहिना हाथ और बायां पैर काट के लटकाया गया था, क्योंकि बगल वाले गांव की निर्मला नाम की विधवा से वह प्रेम बहुत करता था। एक दिन जब घर के सब लोग सरपंच जी के बेटे की शादी में गए थे, तब बिरजू छुपके से निर्मला से मिलने गया था। उस वक्त उन दोनों को समय का ध्यान ही नहीं रहा, और जब निर्मला के घर वाले वापस लौटे तो उन्होंने बिरजू और निर्मला को एक साथ पाया। फिर निर्मला के भाई बिरजू के खून के प्यासे हो गए, और बिरजू प्राण बचाने के लिए साइकिल लेकर जंगल में भाग गया था। पर पीपल के पास वह उन भाइयों के हाथ लगा। उन्होंने किसी वहशी दरिंदे की तरह बेरहमी से उसका दाहिना हाथ और बायां पैर कुल्हाड़ी से काट कर अलग कर दिया। उसके शरीर पर कोई ऐसी जगह नहीं बची थी कि जिस पर खून नहीं था। फिर उसको उसी पीपल के पेड़ पर लटका दिया और नीचे उसकी साइकिल रख दी थी। 2 दिन तक उसकी साइकिल पर उसका खून टप 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 करके गिरता रहा। बहुत भयंकर मौत मारा था। वो उस नज़ारे को देखने वाले की रूह कांप उठती थी। उस वक्त से लेकर आज तक बिरजू की प्रेत आत्मा जंगल में साइकिल की घंटी बजाते हुए भटकती है, और रात को अगर कोई गलती से भी वहाँ जाता है तो उसे उस पेड़ पर लटकती बिरजू की लाश दिखाई देती है। हितेश और अकबर ने सारी बात ठीक से सुन ली थी, और उन दोनों को एक नया भूत और भूतिया जंगल मिल चुका था। अगले ही दिन पूर्णिमा थी और हितेश का जन्मदिन भी था, तो वह दोनों शाम को ही मोटरसाइकिल लेकर सिनेमा देखने शहर गए, और आते वक्त जानबूझकर हाईवे छोड़कर जंगल के कच्चे रास्ते से आए। और जब दोनों पीपल के पास पहुंचे, तब उन्होंने गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में अपना हमेशा का प्रेतात्माओं को ललकारने का तमाशा चालू कर दिया। अकबर पेड़ के पास गया और बोला, कहाँ है बे बिरजू, डरपोक साले, सामने आ। हितेश ने भी दो चार भले बुरे शब्द कह दिए। तभी अचानक तेज और बर्फ जैसी ठंडी हवाएं चलने लगी, और उस भयानक शमशान घाट जैसी शांति में एक आवाज गूंजी, ट्रिंग 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 ट्रिंग। ये आवाज सुनते ही दोनों के रोंगटे खड़े हो गए।
दोनों फटाफट गाड़ी पर बैठकर वहां से भागने लगे। हितेश गाड़ी को किक पर किक मार रहा था, पर गाड़ी कुछ भी करके स्टार्ट नहीं हो रही थी, और उस साइकिल की घंटी की आवाज़ धीरे धीरे बढ़ रही थी, नज़दीक आ रही थी। तभी उनकी गाड़ी चालू तो हो गई, और पल भर के लिए दोनों खुश भी हो गए कि अब इस भूतिया जंगल से बाहर निकलना संभव होगा। हितेश ने गाड़ी तेजी से गांव की बस्ती की ओर दौड़ाई और लगभग आधे घंटे तक गाड़ी चलाते रहे। तभी पीछे बैठा अकबर बोला, भाई अब तक बस्ती क्यों नहीं आई? 10 मिनट का रास्ता है और ये सभी पेड़ एक जैसे क्यों लग रहे हैं? हितेश बोला, मैं भी कब से वही सोच रहा हूँ। तभी एक जगह गाड़ी धक्के खाते हुए अचानक बंद पड़ गई और सामने का नज़ारा देखकर दोनों की रूह कांप उठी। दोनों की रगों में बहता खून मानो भैरस बन गया हो, क्योंकि उनकी गाड़ी उसी पीपल के सामने रुकी थी और उस पर बिरजू की लाश लटक रही थी। उसके नीचे रखी साइकिल पर उसका खून टप 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 की आवाज़ करते हुए गिर रहा था, और पास में ही उसके कटे हुए हाथ और पैर पड़े थे। इस भयानक नज़ारे को देख उन्होंने मोटरसाइकिल वहीं छोड़ दी और हड़बड़ी में बस्ती छोड़ शहर की तरफ भागने लगे। पूर्णिमा के चांद की रोशनी में लगभग ठीक ही दिख रहा था, फिर भी गिरते पड़ते दोनों भूत भूत चिल्लाते हुए भाग रहे थे। तभी फिर से उन्हें वह ट्रिंग ट्रिंग की आवाज़ सुनाई दी और उसके डर से दोनों बेसुध भागते रहे। कुछ देर बाद जब उन्हें पक्की सड़क दिखने लगी, तब वह आवाज़ अचानक से बंद सी हो गई। आवाज़ बंद होने के बाद उन्हें लगा कि शायद उस प्रेत आत्मा की हद वहीं तक थी। उन्होंने खुद को थोड़ी तसल्ली दी और एक दूसरे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। रोड के नज़दीक पहुंचे ही थे कि उन्हें फिर से एक बार ट्रिंग ट्रिंग आवाज़ सुनाई दी। दोनों घबराकर आसपास देखने लगे तो सामने एक आदमी खड़ा था, जिसने एक हाथ में लालटेन ले रखी थी और दूसरे हाथ में साइकिल पकड़ रखी थी। उसने पास आकर पूछा, अरे लड़को सुनो तो, ये हीरा बस्ती जाने का रास्ता कौन सा है? उस आदमी के मुंह से अपनी बस्ती का नाम सुनकर दोनों का खौफ थोड़ा कम हुआ। उन्होंने कहा, ये सामने वाली सड़क से जाइए, 40 मिनट का रास्ता है। दोनों को पसीने से नहाते देख उस आदमी ने हंसते हुए पूछा, तुम दोनों कहीं से दौड़ लगा कर आ रहे हो क्या, या फिर कोई प्रेत आत्मा देख ली? दोनों ने भी बिरजू और पीपल के पेड़ वाली सारी हकीकत बता दी। वह आदमी भी सब बड़ी गौर से सुन रहा था। तभी उसने बातें सुनते सुनते लालटेन साइकिल पर टांग दी और दोनों से बातें करते करते उनके नज़दीक आ गया और सिर्फ एक सवाल पूछा, कौन सा हाथ और कौन सा पैर कटा था? पर इस सवाल का जवाब उसने खुद ही दे दिया। उसने अपना दाहिना हाथ उखाड़ कर हितेश के सामने फेंक दिया और बायां पैर उखाड़ कर अकबर के सामने फेंका और उन्हें अपना खून से सना हुआ वृत्त रूप दिखाया। असली प्रेत आत्मा को सामने खड़ा देख दोनों की आंख फटी की फटी रह गई। एक शब्द भी दोनों की जुबान से निकल नहीं रहा था। दोनों बर्फ की तरह वहीं जम गए। कुछ क्षण में ही उनके शरीर जमीन पर गिरे और सिर्फ डर से ही वह बेहोश हो गए। अगले दिन सुबह
जब दोनों को होश आया तो डर के मारे वह गांव की ओर भागे, और जब उन्होंने गांव वालों को सब कुछ बताया तो किसी ने भी उन पर विश्वास नहीं किया और कहा, जिस पे बीतती है उसको ही समझ आता है। और यह कहकर गांव वाले अपने घर की ओर चल दिए। ये थी मेरी आज की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा।